और एक बार हम लोग बैक से भी जिसे निकाल अच्छा पहले सीधा सीधा तो कर ही दिए हो आप थैंक यू सो मच अभी खिसारी जी कुछ कहे बोलो सवाल हो तो पूछा लो सवाल देखिए भोजपुरी के लोग जो भी करते हैं भोजपुरी समाज के लिए करते हैं। अगर हम देवी में कुछ भी करते हैं चाहे हमारी गायकी हो गई या हमारे भैयाली सांसद बन गए तो ये अपने लिए नहीं है, कहीं ना कहीं भोजपुरी समाज को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए बनी है। तो हम लोग अगर कुछ भी करते हैं तो हम भोजपुरी समाज के लिए ही करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या हमारा गाना हो या हमारा फिल्म हो सिनेमा हो या पॉलिटिकल चीज़ें हो। तो हमारी हर प्रयास ये रहती है कि आप लोगों ने हमें बनाया है, हमें चुना है और हमें लगता है कि आप लोग हमारे फैन नहीं, हम आप सबके फैन हैं कि आपने हमें बनाया। तो कहीं ना कहीं आपका जो गाड़ी है तभी हम यहाँ तक पहुँचे। मेरे इसी व्हाट्सएप ये दोनों जो टीम की आम्रपाली दुबे ये सब हमारी कई जो स्टार्स से वो ब्रांड एम्बेसडर है उनके साथ हम काशी में है और हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमें पूर्वांचल का सपोर्ट चाहिए, पूर्वांचल का प्यार चाहिए। ये मैच डिजिटली भी दिखाया जाएगा, जियो सिनेमा पे दिखाया जाएगा और कई चैनलों पे दिखाया जाएगा। जैसे हमारे चैनल पार्टनर्स हैं उसमें सोनी फाइव भी है तो इसको सब लोग देखेंगे और भोजपुरी दबंग्स को सपोर्ट करेंगे ताकि हम एक बार इस कॉज को भी कि नेशनल इंटेग्रिटी को भी सफल करें और इस बार भारत राइजिंग भोजपुरी दबंग्स जीत के आए इसकी तैयारी के लिए हम अपने काशी में। थैंक यू। चलिए जिसका हो गया और क्या। एक आप सबको बड़ी सूचना जो आज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में देनी थी, आपका एक सवाल होना चाहिए कि इस टूर्नामेंट से पूर्वांचल को क्या फायदा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे बनारस से बहुत लड़के हैं, अंशुमान सिंह है, विक्रांत है, मनोज तिवारी है, तो इस टूर्नामेंट की आय से जो भी हम लोगों की इनकम होगी उसका एक हिस्सा हम बनारस में एक बहुत बड़ा महिलाओं का टूर्नामेंट कराने वाले हैं। महिला क्रिकेट होगा और बहुत ही जैसे आईपीएल होता है उस तरह से हम वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी में भी रात की व्यवस्था नहीं है तो अभी दिन की होगी, लेकिन जैसे ही जो नरेंद्र मोदी जी नया स्टेडियम बना रहे हैं फिर वो उसमें शिफ्ट होगा। बट इसी टूर्नामेंट की आय से हम पूरे भोजपुरी क्षेत्रों का, वो केवल यूपी तक ही नहीं सीमित है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उस लेवल की हम लोग एक बड़ी सिलेक्शन करके और एक बड़ा महिलाओं का टूर्नामेंट करेंगे जो काशी में हो। ये इसी टूर्नामेंट के इनकम से किया जाए। थैंक यू सो मच। अब
अभी ऑर्गेनाइजर में ही एक किसी ने कहा कि दिल्ली की बजाय आपने सजेस्ट किया कि बनारस में ये कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए। जी, बनारस के प्रति आपका प्रेम सब जानते हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी बनारस आए थे और अमेठी में जाकर उन्होंने कहा कि मैंने बनारस के युवाओं को शराब पीकर सड़क पर सोते और नाचते हुए देखा है। आपको क्या लगता है कि वाकई बनारस बदल रहा है? जो वो देखिए आप भी देख पाए, क्या है, सबकी अपनी अपनी नजर होती है और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो जिसको जो पसंद होता है वो देखता है। तो हम तो काशी में महिला क्रिकेट का भविष्य देखते हैं, हम काशी में एथलीट्स का भविष्य देखते हैं, हम काशी में बन रहा है स्टेडियम देखते हैं, हम काशी को पूरे उत्तर भारत का स्पोर्ट्स का हब बनाना चाहते हैं। हमें ये दिखता है, अब राहुल गांधी जी को नशेड़ी देखते हैं तो नशेड़ियों को नशेड़ी ही देखते हो, इसलिए हम उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो नशे से बाहर आए और स्पोर्ट्स के स्पॉन्स को देख सके। राहुल जी, आप दिल्ली के सांसद भी हैं, दिल्ली में किसान आंदोलन के लिए आप दिल्ली में किसान समझ गए हैं, किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं कुछ लोगों को, लेकिन अब धीरे धीरे वो भ्रम भी टूट रहा है। मैं मीडिया को भी धन्यवाद करता हूँ जो अंदर खाने की चीजें हैं, साजिशें हैं, वो दिखा रही है। बाकी किसानों का सबसे बड़ा पैरोकार नरेंद्र मोदी जी है, किसान और युवा, जो स्पोर्ट्स, ये सब हम लोग करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हम किसी भी भ्रांति को चाहते हैं कि लोग अपने अंदर न पाए। भाई साहब नीलम को एक सवाल बताइए, महिला क्रिकेट हाँ। मैं नीलांबू जो अमर उजाला से जी, महिला क्रिकेट होगा तो इसमें कौन लोग शामिल होंगे, कहाँ? हम लोग महिला क्रिकेट में पूरे भोजपुरी क्षेत्र मतलब उत्तर प्रदेश बिहार को मिलाकर हम लोग 8 टीमों का सिलेक्शन करने वाले हैं और उस टूर्नामेंट को इसी काशी में करेंगे, जिसमें एक बहुत हैंडसम प्राइज बनी भी होगा, बहुत सारी चीजें होगी, उसका हम अलग से भी प्रेस क्लोज करेंगे। लेकिन चूंकि हम सब हमारे कनिष्ठ भाई, हमारे सुशील जी, भारत राय जी, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, ये सब सोचते हैं कि हम इस टूर्नामेंट से क्षेत्र को तो कुछ फायदा